हेलो स्किल गुरुजी मेंबर, वीवो प्रो कबड्डी में 45वां मैच खेला जाना है तमिल तलाईवाज हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। देखना, ध्यान से समझना, मैंने एक अलग तरीके से आपको समझाने का कोशिश करा है। और जो मैं ड्रीम इलेवन का टीम दूंगा वो बेहतरीन होगा हेड टू हेड कॉम्बिनेशन के लिए। अब प्लेइंग सेवन पे भी नज़र होगी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर का वापसी होने वाला है। जैसे यहाँ से अजिंक्य पवार हमेशा से सब्टीट्यूट होके खेलते थे और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था, तो प्लेइंग सेवन में इनका नाम होने वाला है। मंजीत हो गए जिनका वापसी होने वाला है। एम एस अतुल तो पिछले मैच में खेले ही थे। एक चेंजेस हो सकता है कि एम एस अतुल ना खेल के यहाँ से जो भवानी राजपूत खेले इनके जगह पे। अब देखो, सागर कृष्णा है, ये सारी चीज़ें तमिल तलाईवास के लिए। सागर कृष्णा जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। बस आशीष को मौका मिला बट इम्प्रेस करा नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि आशीष ना खेले, इनके जगह पे मोहित खेले। तो ये मोहित हो जाएंगे वन यहाँ से हरियाणा स्टीलर्स के लिए, और इधर से मोहित हो जाएंगे टू जो कि खेलेंगे तमिल तलाईवास के लिए। अब एक प्लेयर का नाम होगा जो कि यहाँ से एम अभिषेक होंगे डिफेंडर सेक्शन से, तो उनको में भी मौका मिल सकता है। सीधा रिप्लेस कर दिया जाए आशीष को यहाँ से एम अभिषेक के लिए, क्योंकि एम अभिषेक जो है बेहतरीन खिलाड़ी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब प्रीव्यू हो गया, अब 2 मिनट आपके लिए। देखो, आप खेल रहे हो ड्रीम इलेवन पे, चलो सही है, बट एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए कुबेरा फैंटेसी पे खेलो। मैं बताता हूँ क्यों खेलना है, किस रीजन से खेलना है। कुबेरा फैंटेसी में क्या है ना कि 4 स्टेप में आप पैसे जीत सकते हो। 5 प्लेयर के नाम होते हैं, 1 प्लेयर उठाने हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, पैसे विन करने हैं। देखो, ये 4 स्टेप में आप पैसे विन कर सकते हो। कोई भी आपको टीम नहीं बनाने, कोई भी आपको कैप्टन नहीं बनाने, कोई भी आपको वाइस कैप्टन नहीं बनाने, एटलीस्ट सिर्फ 1 प्लेयर को उठाने, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, पैसे विन करने हैं। हम लोग मैक्सिमम मैच में जो है एडवांटेज उठाते हैं इस फीचर्स को यूज करके। इस फीचर्स का नाम है डुओ मोड, ठीक है। डुओ मोड फैंटेसी के अंतर्गत आता है जिसमें 5 प्लेयर होते हैं, 1 प्लेयर को उठा के आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने होते हैं। तो बेहतरीन ऐप है, डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो। अब देखो, कभी कभी क्या है ना कि क्रोम का ग्लिच आया हुआ है अभी, कि फाइल जो है जंक हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना। आपके मोबाइल में जो है ना एक फाइल मैनेजर नाम की एक फाइल होती है, ठीक है, फाइल मैनेजर जिसमें सारी चीज़ें जो है स्टोर होती है, उस पर जाने हैं, कुबेरा फैंटेसी सर्च कर लेने हैं, आ जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। चलो, ये बातें हो गई, आते हैं टॉपिक के ऊपर। फाइनल टीम आपको जो है टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, @realskillguruji सर्च कर लेना। कोई भी पैसे वगैरह मांगे हमारे नाम से 1 रुपये भी नहीं देना, क्योंकि फेक चैनल बहुत है भाई। देखो, सब्सक्राइबर बेस पे मत जाना, @realskillguruji। अब वो क्या करते हैं फेक चैनल वाले, गुरुजी के आगे 2 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, @ लगा देंगे, तो वो सारे नहीं करने। देखना, यूजर नेम सेम है, जो स्किल गुरुजी रहेगा, रियल स्किल गुरुजी रहेगा यूजर नेम, वही ज्वाइन करने। आपको कुवेरा फैंटेसी के पोस्ट वगैरह आपको दिख जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो, देख लेते हैं कुछ चीज़ें तमिल तलाईवास के लिए। सुरजीत सिंह, सागर, सागर कृष्णा, आशीष, MS अतुल, अजिंक्य पवार, मंजीत हैं प्लेइंग सेवन में, ठीक है, जिसपे सुरजीत सिंह सागर डिफेंडर सेक्शन संभालेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन सागर, और यहाँ से आशीष रहेंगे। मे भी कि मोहित को मैक्सिमम चांस है कि मोहित खेल सकते हैं, ठीक है। राइडर सेक्शन MS अतुल, अजिंक्य पवार, मंजीत रहेंगे। वही बात करें आप हरियाणा स्टीलर्स के तरफ से देखोगे तो हरियाणा स्टीलर्स के तरफ से देखो तो भाई यहाँ से कमबैक कर रही है। लास्ट के 3 मैच में इन्होंने एक भी मैच नहीं हारे हैं, ठीक है। वही बात करें तो 1 मैच टाई रही थी, बाकी 2 मैच इन्होंने जीते हैं। बट वही तमिल तलाईवास की तरफ से देखोगे तो ये पिछले 5 में से एक भी मैच नहीं हारे हैं, जिसमें से भाई इन्होंने 3 को टाई कर दिया है, 2 ही मैच जीत पाए, ठीक है। तो ये होती है कुछ चीज़ें जो आपको बतानी होती है। अब देखोगे हरियाणा की तरफ से प्लेइंग सेवन, तो जयदीप है, सुरेंद्र नाथा, रवि कुमार है, जो कि भाई टॉप डिफेंडर है, जिसकी वजह से हरियाणा अभी तक टिकी हुई है यहाँ से टॉप के सेक्शन में। सो डैट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 3 प्लेयर जिसके आप ले मैक्सिमम टीम बनाते हो, आप क्या करते हो, जयदीप को ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, सुरेंद्र नादा को ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, क्योंकि क्रेडिट इतना हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। रोहित गुलिया है भाई, ये ऑलराउंडर है बट डिफेंडर के तौर पे काम कर रहे हैं, रेड वगैरह करवाया नहीं जा रहा है। मोहित है, अच्छा करते हैं इसीलिए टिके हुए हैं। मीतू है, विकास खंडोला है, थोड़ा राइडर सेक्शन कमजोर नजर आती है यहाँ से हरियाणा स्टीलर्स का। कंपेरिजन करोगे तमिल तलाईवास, क्योंकि MS अतुल, अजिंक्य पवार बेहतरीन रेडर है, मंजीत बेहतरीन रेडर है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट तक देखने हैं वीडियो को, आपको लाइक करने है, कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपको स्किल गुरुजी फैमिली के लिए आपको कमेंट करने हैं। ड्रीम इलेवन का टीम बनाते हैं बेहतरीन सेक्शन से, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि मंजीत हो गए, अजिंक्य पवार हो गए, विकास खंडोला हो गए, 3 रेडर को आपको रखने होंगे अपनी टीम में। अगर नहीं रखते हो तो फिर सारी चीज़ें खो दोगे आप, ठीक है। तो 3 रेडर,
है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, 3-2 और यहाँ से 2, ठीक है, 3 रेडर 2 ऑलराउंडर 2 डिफेंडर का कॉम्बिनेशन बनेगी। तो चलो विकास खंडोला को रख लेते हैं अपने टीम में, और यहाँ से मंजीत को रख लेते हैं, और यहाँ से अजिंक्य पवार को रख लेते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों बेस्ट राइडर हैं अपने टीम के लिए। ठीक, अब ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे ना, तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे जो सागर कृष्णा बेहतरीन टैकल करते हैं भाई, स्टार्टेड टाइम में भाई पुश दिखाते हैं, जो कि थोड़े बहुत अगर सुरजी से काम नहीं हो पाता है तो एक तो सागर डिफेंडर में दिखेंगे, एक सागर कृष्णा, बट सागर कृष्णा अच्छा खासा टैकल करते हैं, तो सागर कृष्णा को भी आपको अपने टीम में रखने हैं। उसके बाद देखोगे ना तो सारी चीज़ें परफेक्टली नहीं होगी अगर आपके साथ, तो मोहित को अपने टीम में आपको रखने हैं। ठीक है, अब देखो नीचे के खिलाड़ी अगर आशीष खेलते हैं तो इधर से लेके फिर टॉप के जैसे इस सागर को आप रख सकते हो अपने टीम में, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट के साथ आपको जाने होंगे जो कि नाम बताया था यहाँ से एम अभिषेक। ठीक है, एम अभिषेक सब्स्टिट्यूट होकर आने वाले हैं, और ये भी एक दो टैकल कर देते हैं तो 30-40 पॉइंट निकाल के आपको इजीली दे देंगे। ठीक है, तो इधर से मोहित हो गए, ठीक है, मोहित के बंजी, हाँ भाई मोहित हो गए, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से। अब डिफेंडर सेक्शन जज करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि देखोगे सुरजीत है, सागर है, रवि कुमार है, सुरेंद्र नादा है, जयदीप है। ठीक है, तो एक बेस्ट खिलाड़ी जैसे रवि, सुरेंद्र नादा, जयदीप, यहाँ से सुरजीत सिंह, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, एक तो यहाँ से अभिषेक को बैठा देना जो कि यहाँ से सब्स्टिट्यूट रहेंगे, बाकी इसमें ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तीन खिलाड़ी का, ठीक है, सुरेंद्र नादा, रवि कुमार, सुरजीत सिंह। ठीक है, एक बेस्ट डिफेंडर को आप अपने टीम में पिक कर लेना, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम बनेगी ये। ठीक है, अब देखो एंड ऑफ द मोमेंट मोमेंट, क्योंकि देखो सारी चीज़ें जो है परफेक्टली नहीं रही, मान के चलो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए तमिल तलाईवाद ने, या बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हरियाणा स्टीलर्स ने, क्योंकि राइडर सेक्शन उतना ज़्यादा मजबूत दिख नहीं रहा, सो डैट की कॉम्बिनेशन भी बदलेगी, फाइनल टीम दिखेगी आपको टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करने लगा कंपलसरी है। ठीक है, तो मंजीत होंगे हमारे कैप्टन, वाइस कैप्टन अगर खेलते हैं अजिंक्य पवार तो वाइस कैप्टन अजिंक्य पवार होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं खेलते हैं तो विकास खंडोला वाइस कैप्टन होंगे। ठीक है, डिफेंडर सेक्शन में भी बना सकते हो, अगर आप हैंडल करते हो जयदीप को, हैंडल करते हो सुरेंद्र नादा को, तो ये सारे प्लेयर को भी आप जो है वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए।